दोस्तों, मैं मुकेश अंसारी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं मैथ के क्रैश कोर्स का अगला पार्ट, जिसमें है ऐसे पांच सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके मेट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे बता दें, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रत्येक दिन की आने वाली वीडियो आपसे ना छूटे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों, आप सभी यहाँ पे पहला क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे कि द्विघाती सूत्र के द्वारा समीकरण 2x² + x - 528 = 0 को हल करें। कहने का मतलब है कि द्विघाती सूत्र के द्वारा हमें ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है उसका हमें मूल ज्ञात करना है, यानी इसे हम हल करना है। तो चलिए इसे हम हल कर लेते हैं। तो दोस्तों, द्विघाती सूत्र को द्वारा अगर किसी भी समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले हम इसको डी निकालना होता है, और डी के लिए एक फार्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो मान चाहिए, b का मान चाहिए, a का मान चाहिए और c का मान चाहिए। तो आपसे बता दें, a वाला होते हैं पहला मान जो कि 2 दिया गया है, b का मान x के जगह पे कोई भी मान नहीं है तो यहाँ पे हम 1 मान लेंगे, और जो c का मान है वो -528 है, तो हम भी लिखेंगे -528। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद आप सभी को इस फॉर्मूला का यूज करके बनाना है। देखिए, यहाँ पे दिया गया b² - 4ac, तो b का मान 1 दिया गया है, तो आपको 1 का स्क्वायर कर देना है, फिर -4ac, यानी 4 × 1 का मान दोस्तों कितना है, 2 है, और c का मान कितना है, तो -528 है, तो आपको लिखना है -528। ठीक है, तो दोस्तों इतना लिखने के बाद आप सभी को तो मालूम होगा कि 1 का स्क्वायर 1 होते हैं, और 4 का पहाड़ 2 बार पढ़ेंगे तो 4 × 2 = 8, और 8 में अगर 528 से आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आएंगे 4224। ठीक है, कितना आएंगे, 4224, जो कि ये माइनस में आएंगे, और पहले से भी माइनस में है, तो माइनस और माइनस मिलकर, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जानते होंगे कि माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो 42 25 हम लिख दिए हैं, 42 24 आएंगे, और 42 24 में आपको क्या करना है, 1 ऐड कर देना है, तो ये कितने हो जाएंगे, 4225 हो जाएंगे, जो कि डी का माना गया है। उसके बाद में क्या करते हैं कि डी का मान जब आ जाता है तो हमको मूल ज्ञात करना होता है, और जो मूल का जो फार्मूला होता है वो चलिए मैं आप सभी को बतला रहा हूँ, -b + -√d/2a। ठीक है, -b + -√d/2a यही होता है दोस्तों मूल का फॉर्मूला। तो आपको क्या करना है कि b का मान यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं कि 1 दिया गया है, तो आपको लिखना है -1 और +√d का मान। दोस्तों, d का मान यहाँ पे 4225 दिया गया है, तो आपको लिखना है रूट में 4225। उसके बाद में है √2a, यानी 2 × a का मान। दोस्तों, a का मान यहाँ पे कितना है, 2 है, तो आपको भी लिखना है 2। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, आप यहाँ पे लिख देंगे -b का मान -1 है, माइनस का माइनस लिखेंगे, b का मान 1 था तो 1 लिखेंगे, प्लस माइनस, और √d का मान 4225 हम लोग निकाले हैं तो 4225 लिखेंगे, और √2a यानी 2 × a का मान, तो a का मान कितना है, 2 है, तो आपको लिखना है 2। उसके बाद वाले स्टेप में आपको क्या करना है कि -1 को -1 लिखेंगे, +- को +- लिखेंगे, और आपसे बता दें 4225 को वर्गमूल निकालना होगा। ठीक है, 4225 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आते हैं, 65 आते हैं, क्योंकि 5 × 4 = 25 और 7 × 6 = 42। उसके बाद में नीचे हो जाएंगे, 2 × 2 = 4। अब आपको क्या करना है कि अल्फा बीटा का मान निकालना है। दोस्तों, आपसे बता दें कि अल्फा में प्लस लिया जाता है और बीटा में लिया जाता है माइनस, तो अल्फा में क्या कीजिएगा कि 1 - 1 + 65 लिखना है, -1 + 65, और बटा कितना है, 4 है, तो आपको क्या करना है कि -1 का + 64 है 65 है, तो ये हो जाएंगे 64/4, जो कि कट के 16 आ जाएंगे, और बीटा वाला में माइनस लेना है, यानी -1 और -65 लेना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे -1 - 65/4, तो ये हो जाएंगे -66/4। तो यहाँ पे अगर शुद्ध आंसर की बात करें तो माइनस वाला जो आंसर होता है वह सही नहीं होता है, जो प्लस में हमारा धनात्मक आंसर आता है वही हो जाता है बिल्कुल क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात करें। आप सभी को बता दें कि शून्यक ज्ञात करने पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन बना चुका हूँ, आप सभी नहीं देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे बात करें द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात करें, तो आपको क्या करना है,
दोस्तों अगर आपको भी हो रहा है मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रॉब्लम तो आप .NET के व्हाट्सअप नंबर 8400400400 पे किसी भी क्वेश्चन का फोटो खींचो और व्हाट्सअप करो 8400400400 पे। दोस्तों यहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के किसी भी कठिन से कठिन सवालों का जवाब सिर्फ 10 सेकंड में पा सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस था 7x और प्लस 10 बराबर 0 का शून्य ज्ञात करना है। तो फर्स्ट इनटू हम लास्ट गुना करते हैं तो हमारा 10 आएगा। तो 10 को ऐसे दो संख्या में तोड़ना है कि जोड़ेंगे घटाएंगे तो 7 आना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 10 आना चाहिए। तो अगर हम एक्स स्क्वायर और प्लस 7x की जगह पर हम 2x और प्लस 5x लेंगे 7x की जगह पर तो 5 × 2 = 7 भी हो जाएंगे और 5 × 2 = 10 भी हो जाएंगे। फिर यहाँ पर प्लस 10 दिया जा चुका है। उसके बाद आपसे बता दें कि दोनों में हमारा कॉमन मिल रहा है एक्स, तो हम एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस 2। यहाँ पे 5x और 10 में हम 2 कॉमन लेंगे जो कि प्लस में है तो यहाँ पे बचेगा हमारा एक्स प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे हम 5 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 2 यहाँ पे बचाएंगे। उसके बाद वाले स्टेप में आपसे बता दें कि क्या कीजिएगा, दोनों में से एक कोई लीजिएगा एक्स प्लस 5 है वो यहाँ से हम ले लेंगे और दोनों तो ये कॉमन बराबर है एक्स प्लस 2 बराबर है तो यहाँ पे एक्स प्लस 2 का एक्स प्लस 2 लिख देंगे। आपसे बता दें कि एक्स प्लस 5 बराबर अगर 0 होते हैं तो एक्स बराबर अगर लिखेंगे तो प्लस 5 है तो इधर क्या हो जाएंगे माइनस 5 हो जाएंगे। इसका बात करें एक्स प्लस 2 का तो अगर एक्स बराबर लिखेंगे तो प्लस 2 है तो इधर हो जाएंगे माइनस 2 जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि दूरी सूत्र के द्वारा दिखाएं कि बिंदु 1.5, 2.4 और 3.3 समरेखीय है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ए बी सी डी लिख देना है, ए बी और सी। तो अब क्या करेंगे, संरेखी होने के लिए ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होना आवश्यक होता है। तो हम सबसे पहले दूरी सूत्र के द्वारा ए बी निकालेंगे। ठीक है, हम ए बी निकालेंगे और फार्मूला जो होता है दूरी का एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस होते हैं वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। दोस्तों एक्स यहाँ पे एक्स वन का मान 1 हो जाएंगे, ये वाई वन का मान, ये हो जाएंगे एक्स टू और ये वाई टू का मान। अब हमको क्या करना है, एक्स टू का मान चाहिए, एक्स टू का मान यहाँ पे कितना है 2 है और माइनस एक्स वन का मान कितना है तो 1 है तो आपको इसका स्क्वायर कर देना है। और वाई टू का मान दोस्तों 4 दिया गया है और वाई वन का मान कितना है 5 दिया गया है, इसको स्क्वायर कर देना है। उसके बाद वाले स्टेप में आपको क्या करना है कि 2 में से 1 को घटा लीजिएगा तो 1 बचेंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे। 4 में से आपको क्या करना है, 5 को घटा लेना है तो 1 बचेंगे जो कि माइनस में, तो 1 का भी स्क्वायर कर देना है। आपसे बता दें 1 का स्क्वायर 1 होते हैं और 1 का भी स्क्वायर 1 होते हैं। दोस्तों 1 में 1 हम ऐड कर देंगे तो हमारा रूट 2 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम ए बी का मान निकाल लिए हैं। उसके बाद में हम निकालेंगे बी सी का, देख दोस्तों बी सी, तो बी सी में ये हो जाएंगे x1 का मान, ये y1 का मान, ये x2 और ये y2 का मान। तो ये हमारा x1 हो गया, ये x2 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे x2 और ये y2। ठीक है, तो चलिए हम bc का मान निकाल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे bc निकालने के लिए यहाँ पे देखिए फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 इसमें कितना हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, x1 का मान 2 हो जाएंगे, यानी 3 में से 2 को घटा लेंगे तो 3 माइनस 2 का हम स्क्वायर लिखेंगे। फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 का मान दोस्तों कितना है 3 है, y1 का मान जो है 4 है, तो आपको लिखना है 3 माइनस 4 का स्क्वायर। उसके बाद में आपसे बता दें 3 में से 1 2 को घटा लीजिएगा तो 1 बचेंगे और 1 का स्क्वायर भी 1 होते हैं। फिर प्लस 3 में से 4 को घटा लीजिएगा तो माइनस 1 बचेंगे और माइनस 1 का भी स्क्वायर 1 होते हैं तो 1 और 1 मिलके 2 हो जाएंगे। उसके बाद में आपसे बता दें यहाँ पे ए बी निकाल लिए हैं, बी सी निकाल लिए हैं, उसके बाद में हमें निकालना है ए सी। यहाँ पे एक्स वन का मान, वाई वन का मान, ये हो जाएंगे एक्स टू का मान और वाई टू का मान। तो फार्मूला वहीं लगाएंगे, रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। दोस्तों एक्स टू का मान कितना है 3 है और एक्स वन का मान कितना है 1 है, तो हमको लिखना है 3 माइनस 1 का स्क्वायर। फिर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का स्क्वायर, आप भी लिखेंगे 3 माइनस 5 का स्क्वायर। उसके बाद में क्या करना है, 3 में से 1 को घटा लेंगे तो 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर 2 × 2 = 4 होता है। उसके बाद में प्लस 3 में से 5 घटा लीजिएगा तो माइनस बचेंगे 3 और 3 का स्क्वायर कितना होते हैं तो ये कितना होते हैं, 3 में से 5 घटा लीजिएगा तो 2 बचेंगे और 2 × 2 = 4 हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 4 और 4 जोड़ लेना है तो 8 हो जाते हैं और 8 को गुणनखंड कर दीजिएगा तो 2 × 2 = 4 × 8 हो जाएंगे, यानी 2√2 आ जाएंगे। ठीक है, यानी 2 × 2 = 1 और 1 रूट में बच जाएगा। तो आपको क्या करना है, कैसे पता चलेगा कि संरेखीय है कि नहीं, तो आपको लिखना है ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी।
यानी ए बी और बी सी का मान जोड़कर ए सी के मान बराबर आ जाएगा तो सरलरेखीय है, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पे बात करें ए बी का मान तो रूट दो आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट दो, फिर प्लस बी सी का मान भी कितना आया है, रूट दो आया है, आप लिखेंगे रूट दो, और बराबर ए सी का मान कितना है, दो रूट दो। तो आपसे बता दें रूट दो में रूट दो जब ऐड करते हैं तो दो रूट दो आ जाता है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जो आंसर होगा वह लिखेंगे कि अतः ये तीनों बिंदु सरलरेखीय है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि साइन थीटा बराबर 12/13 तो टेन थीटा का मान ज्ञात करें। आपसे बता दें साइन थीटा में जो होते हैं वो पी बटे एच होते हैं, इसमें बी का मान नहीं है। तो सबसे पहले हम बी निकालेंगे, और बी का जो फार्मूला होता है वह होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। दोस्तों आपसे बता दें एच का मान यहाँ पर कितना है, 13 दिया गया है, तो आपको लिखना है 13 का स्क्वायर, और माइनस बी का पी का मान जो दिया गया है वो 12 दिया गया है, तो 12 का स्क्वायर लिखना है। तो आपको क्या करना है कि 13 का स्क्वायर 13 वहाँ 169 होते हैं, 12 का स्क्वायर 12 वहाँ 144 होते हैं, 169 में से 144 को घटा लेते हैं तो 25 बचते हैं, और 25 का जो वर्गमूल होते हैं वो 5 होते हैं। अब यहाँ पे बात करें टेन थीटा के मान ज्ञात करने के लिए, तो आपको लिखना है टेन थीटा बराबर, इसका जो फार्मूला होता है वो पी बटे एच होता है। जो भी स्टूडेंट त्रिकोणमिति का हमारा पार्ट नहीं देखेंगे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर त्रिकोणमिति का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन किया गया है। तो अब यहाँ पे देखिए पी का मान, तो पी का मान इसमें भी कितना था, 12 था, और एच का मान इसमें कितना था, सॉरी पी बटे बी होते हैं, टेन में टेन का फार्मूला पी बटे बी, और बी का मान हम कितना निकाले हैं, 5 निकाले हैं। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा हमारा वह होगा 12/5। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम आप सभी को बतलाए हैं मैथ का भी वाई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट अभी तक मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक दिन की आने वाली वीडियो आपसे ना छूटे। दोस्तों मैं मुकेश अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।